इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने तुरंत कमिश्नर को कहा है कि उनकी सब जिधर जिधर रघुवंशी मिल है और दूसरा मिल है जिधर ऐसा ट्रेड का जो चल रहा है उधर हर जगह पे फायर ब्रिगेड का ऑडिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जान बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हादसा हुआ कल उसमें 14 लोग एक्सपायर्ड हो गए है, बहुत दुर्दैवी घटना कल घटी है, तो ऐसी घटना आगे नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रशासन को मैंने आदेश दिए जिधर जिधर अनऑथोराइज है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो इसमें जो अधिकारी दोषी रहेंगे वो दोषी अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैंने आदेश दिया है। 15 लोग की जान गई है, कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? बीएमसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है या नहीं सर? एक्शन ले रही है, लेकिन अभी तक क्रैकडाउन नहीं किया गया या उनको सील नहीं किया गया, सिर्फ आप लीगल एक्शन ले रहे हैं। जबकि नवी मुंबई का सब घटना होने के बाद एक्शन ली जा रही है, सारे घटना होने के बाद एक्शन ली जा रही है। नवी मुंबई कॉर्पोरेशन ने जो कार्रवाई की थी वो इनका इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ा था, बीएमसी ऐसा क्यों नहीं कर पाई? और आप एक तरफ मुक्का पालक को बंद करने की भी बात करके आए हैं। या मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रामध्ये जी जी अनधिकृत बेकायदेशीर मग ती हॉटेल्स असतील, जे जे अनधिकृत आहे त्याच्यावरती कारवाई करायला पाहिजे। जीवित हानी होता कामा नये, प्रत्येकाचा जीव महत्त्वाचा आहे, आणि काल जी घटना घडली ती अत्यंत दुर्दैवी।